और चेक करो गाइस, अब काफी तेजी से जा रहा है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? सो गाइस, जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइस, काफी दिनों से मेरा ब्लॉग जो है नहीं आ रहा था। आप लोगों को भी पता होगा कि मैं शॉर्ट वीडियो सिर्फ अपलोड करता था। तो आज फाइनली वो टाइम आ चुका है कि मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर दूं। तो हाँ, बस हमारे एरिया में एक बड़ा सा मॉल ओपनिंग हुआ है जनकपुर में। जिन लोगों को पता है वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं आगे, और जिसको पता नहीं है वो मॉल में नहीं गए उसके लिए वीडियो खास करके हैं। तो अगर आप लोग भी मॉल देखना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक देखना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि क्या कुछ है मॉल में और कैसा मॉल है, कितना बड़ा मॉल है, वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ, वीडियो में बने रहना, बिना स्किप करके वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। एंड हम लोग आज कुछ सॉन्ग का शूटिंग भी करने वाले हैं, दूसरे चैनल पे वो वीडियो अपलोड होगा। तो वही गाइस, अभी निकलते हैं फटाफट से घूमने के लिए। तो घूमते हैं एंड क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है हम लोगों को, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हाँ, बने रहना वीडियो में लास्ट तक एंड देखते हैं कि क्या कुछ बनता है सीन। फिलहाल तो टेम्पररी बाय बाय। चुके हैं राज देवी जी के मंदिर में एंड यहाँ का सीन चेक करते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। तो चलो गाइस, सीन आपको चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, राज देवी माता का मंदिर है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं भीतर पार्क में एंड ये आप लोग पार्क चेक कर सकते हो। काफी हरियाली जो है पार्क यहाँ पे बनाए दिए गए हैं एंड घूमने के लिए ये सब पूरा वगैरह यहाँ पे है। और उस वो आप लोग चेक, ये वाला जो आप लोग चेक कर रहे हो, इसमें से रात के वक्त पानी निकलता रहता है। ये आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना खूबसूरत है पार्क राजदेवी मंदिर के अंदर। एंड इसी प्रकार से बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे, तो मैं तो पसीना से भीग गया हूँ। एंड अब देखते हैं आगे का डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो फिलहाल हम लोग राजदेवी मंदिर भी घूम चुके हैं एंड भीतर का भी सीन मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। तो चलते हैं गाइस एंड भीतर का सीन वगैरह देखते हैं क्या कुछ है। हम लोग आए थे राजदेवी मंदिर में, तो सोचा कि आप लोगों को राजदेवी माता का दर्शन करा ही दूँ। वहाँ से प्रवेश द्वार एंड हम लोग अब चलते हैं भीतर में। ये है राजदेवी मंदिर का पीछे वाला द्वार एंड अब इस द्वार से जाएंगे हम लोग। यहाँ पे राजदेवी माता आप लोग देख सकते हो। सर जो है फिलहाल थक चुका है, तो हम लोग आज राम मंदिर में नहीं जा पाए। तो आज का अब चलते हैं डेस्टिनेशन पे। बैग पैकिंग शुरू हो गया है। Thank you.
लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे एंड आप लोग पीछे चेक कर सकते हो कि क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है हमको। एंड आगे नेपाल प्रहरी भी है एंड वहाँ पे हमारा जो सर था वो सर भी है एंड उतर चुके हैं अब। और चेक करो गाइस, अब काफ़ी तेज़ी से जा रहा है एंड आप लोग ये भी दिखा दिया। रेलवे स्टेशन का सीन आप लोग चेक कर सकते हो कैसा है नेपाल का रेलवे स्टेशन, जनकपुर का रेलवे स्टेशन था। और ये पीछे क्या आ रहा है, रेलवे ट्रैक पर चल रहा है, ट्रेन तो नहीं है। चेक करने वाला है पटरी, क्या कुछ खराब वगैरह तो नहीं हुआ है पटरी पे। सो अब यहाँ से चलेंगे हम लोग मॉल की तरफ, गाइस यहाँ से आप डायरेक्ट चलेंगे हम लोग मॉल में। एंड बहुत देर से आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि मॉल में जाऊँगा, लेकिन घूम रहे हैं इधर ही, तो फाइनली हमारा अब विजन हो गया क्लियर कि हम लोग मॉल में जाने वाले हैं एंड वहाँ पे क्या कुछ रिएक्शन होने वाला है मैं आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से दिखाने का कोशिश करूँगा। क्या आप लोग चेक कर सकते हो कि ट्रेन का मतलब नेपाल का रेलवे स्टेशन का बाहर कुछ ऐसा लुक देता है। एंड पीछे चेक करो, ये पूरा एरिया जो है पूरा रेलवे स्टेशन का है एंड मैं आप सभी को ये रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ। नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंड हम लोग भी इसी नज़ारे का वेटिंग में थे। तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था, आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी लेकर आऊँ साथ में। तो आप लोग जब चेक कर सकते हो गाइस, मैं पीछे आप लोगों को सिनेमेटिक लुक दे करके चेक कराता हूँ। बाहर घूमना वगैरह हो गया एंड अब चलते भीतर में इसका गाना का क्लिप। ठीक है गाइस, यहाँ पे सॉन्ग का थोड़ा शूटिंग करते हैं एंड उसके बाद चलेंगे उस भीतर में एंड दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या कुछ है एंड मैं भी फर्स्ट रिएक्शन लेने वाला हूँ। इतने लोग आते हैं यहाँ पे बस इसका इसको देखने के लिए। गाइस बैग के लिए कुछ प्रॉब्लम आ चुका है एंड इसे लॉकर में रखने के लिए बोला है, तो लॉकर में रखते हैं। नीचे लॉकर जो हम लोगों को नहीं मिला एंड अब जाना पड़ेगा ऊपर। तो भाई
फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस गाइज एंड काफी इंजॉय कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे और फर्स्ट टाइम ट्रिप वाले सीढ़ी पे। ओ भाई मजा आ गया गाइज, मजा आ गया। एंड अब वहाँ पे लॉकर है तो लॉकर में हम अपना बैग रखेंगे एंड उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। सर लॉकर यहाँ पे लॉकर में हम लोग तो गाइस हमारा लॉकर नंबर 255। तो गाइस हमारा लॉकर नंबर 255 आप लोग याद रखना वॉलेट। और अब चलते घूमने के लिए ऊपर में। तो गाइस यहीं से शुरू करते हैं। काफी मजेदार एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। हमारा गांव का लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा देंगे बाद में। फिलहाल चेक करो क्यूट क्यूट सर्विस देने वाली लड़कियां हैं तो मैं उन सबको आप लोगों को दिखाऊंगा कितना क्यूट है वो सब। तो आप लोग रिएक्शन चेक करना गाइस। एंड ये चेक करो, ये रहा पहला एंड अब दिखाऊंगा दूसरे को। इसमें बहुत सारे चीज है। सो गाइस जितना बड़ा एसी चेक करो, पंखा के जैसा हवा आ रहा है। हम लोग पसीने से भीग चुके थे और अभी काफी आराम फीलिंग हो रहा है। चेक कर सकते हो गाइस, थर्ड फ्लोर पे मॉल पे भी लाइन कट जाता है। गांव में तो ऐसा हालत है तो, लेकिन मॉल इतना बड़ा मॉल में भी लाइन का समस्या जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। चेक करो गाइस, सामान लोड करके भाग रहा है मॉल से। इसे चेक करो, इसे नहीं, इसे चेक करो। देखो सामान लेकर के भाग रहा है झोला में लेकर। लिफ्ट बंद हो चुका है, जाने में समस्या हो रहा है काफी लोगों को। हम लोग तो गांव घर पे, हम लोग का आदत मन से रहे, पता नहीं किस बात का टेंशन है हम लोगों को। हम लोग तो निकल रहे हैं तो घूम रहे हैं, ये लोग पता नहीं कौन सा टेंशन में। इतना अच्छा नौकरी लगा है, इतना अच्छा जॉब है, फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस कुछ भी लोगे तो 10% डिस्काउंट है। चप्पल खाना है मतलब चप्पल लेना है तो यहाँ से चप्पल भी लेना सकते हो। यहाँ पे A to Z सामान है एंड सभी पे सामान अनुसार डिस्काउंट भी है। कोई सामान में 10% है तो कोई में 20%, कोई में 15%, मतलब सामान अनुसार यहाँ पे जो है डिस्काउंट रखा गया है। एंड बराबर LCG भी है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो कि गिफ्ट के रूप में यहाँ पे रखा गया है। चेक करो गाइस कितना बड़ा डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे टोपी है तो सोचते हैं कि टोपी का प्राइस आप लोगों को दिखा दूँ कि कितना प्राइस है यहाँ पे टोपी का। तो एक टोपी मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये वाली टोपी है तो प्राइस आप लोग देख सकते हो। एक टोपी का 1040 जो कि लोग नॉर्मल शॉप पे लेंगे तो 1000 में हम लोगों का पूरा सेट मिल जाएगा, मतलब 12-15 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक टोपी सिर्फ 1200 का आता है तो इससे अच्छा तो हमारा लोकल शॉप ही है। कितना बड़ा LCG है आप लोग देख सकते हो, लेकिन उतना क्लियर फोटो यहाँ पे दिख नहीं रहा है जितना क्लियर होना चाहिए HD। गाइस ये चेक करो,
इतना बड़ा टीवी आप लोग घर में लगा लोगे तो क्या ही मजा आ जाएगा। गाइस क्यूट सी रिएक्शन मिलने वाला है यहाँ पे। गाइस हम लोगों का घूमना हो गया एंड आप लोगों को भी दिखाई दिया क्या कुछ है यहाँ पे, पीछे आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। एंड कमेंट में जय राम जी की लिखी देना।